नमस्कार। एक बड़ी दुखद घटना हुई। मेरे एक कस्टमर थे, बहुत अच्छे एयर कंडीशनर्स के कस्टमर थे, काफ़ी पैसे वाले थे, काफ़ी विद्वान थे, काफ़ी अच्छे व्यवहार में थे। उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली। जब मैंने सुना तो मैं उनके बैठने को गया, तब उन्होंने बताया, आलोक भाई क्या बताऊं, मैंने मेरे बेटे को ज़िंदगी में जो दे सकता था वो सब दिया, जो वो चाहता था वो सब दिया, उसकी हर मांगे पूरी की, उसको कभी किसी चीज़ की कोई कमी ना होने दी। बस उसकी एक जिद थी, जिस लड़की से उसको शादी करनी थी वो हमने नहीं करने दी और उसने आत्महत्या कर ली। अब मैं उनके सामने तो क्या कहता, बट मैंने मन में सोचा यही तो बहुत बड़ी गलती हुई। अरे आपने जब उसकी जिंदगी में हर चीज दे दी, हर मांग पूरी कर दी, उसको सब कुछ दिया, तो उसने कभी ना देखा ही नहीं है, उसने कभी किसी चीज की कमी होने की दिखी ही नहीं है, उसे कभी मुंह की खानी पड़ी ही नहीं है, उसने कभी हार ना सीखा ही नहीं है। और ये इतनी बड़ी हार थी, ये इतनी बड़ी उसकी एक तरह से हार ही थी, उसकी इतनी बड़ी जिद थी जो पूरी नहीं हुई, वो उससे सहन नहीं हुई और उसने आत्महत्या कर ली। आपने हिंदुजा के बेटे का सुना होगा, आपने गरवारे के बेटे का सुना होगा, आपने और कई अच्छे अच्छे परिवारों में सुना होगा कि उनके बच्चों ने आत्महत्या की। लेकिन क्या हमने बच्चों को तैयार किया है जिंदगी के लिए, जिंदगी में कभी हार मानने के लिए, हार को खुशी से लेने के लिए, कभी ना सुनने के लिए, कभी उनकी जरूरतें पूरी ना हो तो भी वो फ्रस्ट्रेट ना हो, कभी उनको कोई चीज की कमी लगे तो भी वो हंस के झेल ले? क्या हमने इस सब के लिए उनको तैयार किया है? एक एस्ट करके प्रोग्राम हुआ करता था, उसमें बच्चों को तैयार किया जाता था इन सब चीजों के लिए। और हम जब जैसा पिताजी ने बताया था उसके हिसाब से हमने, जब बच्चों को जैसे जुहू ले जाते थे तो जुहू ले जाने के भी पहले कह देते थे कि बेटा वहां पे आपको दो ही राइड मिलेगी, या तो आप मैरी गुराउंड ले लो, चाहे आप घुड़सवारी कर लो, चाहे आप कोई गोल चक्री में बैठ लो, दो ही मिलेगी, आप तीसरी की जिद नहीं करना, आप तीसरी की जिद करोगे तो हम जुहू पे नहीं ले जाएंगे। हम क्या तीसरा अफोर्ड नहीं कर सकते थे, चौथा अफोर्ड नहीं कर सकते थे? सवाल वो नहीं था, सवाल था एक डिसिप्लिन का, कि हर बात पे बच्चा लटुंग जाता है, जिद करने लगता है, रोने चिल्लाने लगता है, जमीन पे लेट जाता है और आप उसकी मांगे मानते चले जाते हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए, उनको भी एक संयम सिखाना बहुत जरूरी है। हमारे एक पहचान वाले डॉक्टर थे जूह पे, उनके बेटे का एक नंबर सिर्फ कम आया, 100 में से एक नंबर कम आया और वो 100 में से 100 एक्सपेक्ट कर रहा था। बहुत ब्रिलियंट बच्चा था, बहुत जीनियस बच्चा था, बहुत होनहार बच्चा था, लेकिन एक नंबर कम आने की उसको इतना सदमा लगा, उसने आत्महत्या कर ली। अरे भैया, बच्चों को सिखाओ, हारना सिखाओ, ना सुनने की आदत सिखाओ, ना सुनने की शक्ति बढ़ाओ। मैंने देखा है कई जगह बच्चे नहीं जीतते हैं तो माँ बाप दुखी हो जाते हैं, चाहे वो हाउजी हो, चाहे वो गरबा डांडिया हो। एक गरबा डांडिया के प्रोग्राम में मैं गया था, वहाँ पे उनके बच्चों को इनाम नहीं मिला तो उनके दोस्तों से उन्होंने कहलवा के प्राइवेट इनाम अनाउंस करा दिया कि फलाना फलाना बच्चे को हम इस बात का देते हैं इनाम, उस बात का देते हैं इनाम। अरे ये क्या है, सबको इनाम नहीं मिल सकता है, तो जिसको नहीं मिला उसे भी उतना ही खुश होना है। हाउजी में सबको इनाम नहीं मिला फिर भी उतना ही खुश होना है, क्योंकि आप तो मनमौजी के लिए खेल रहे थे, मनमौज के लिए खेल रहे थे, आप कोई हार जीत का कोई बहुत बड़ा सवाल नहीं था उसमें, और चाहे जितना बड़ा सवाल हो। मैंने बिजनेस भी एक बार लॉस किया, दादाजी के पास में पहुंचा, दादाजी मेरे से ये काम हो गया और ये लॉस हो गया है। दादाजी बोले कोई बात नहीं, उसको अक्कल खाते में डालो, उस नुकसान को बट्टे खाते में डालो और आगे बढ़ो, आगे बढ़ना सीखो, आगे बढ़ना ज्यादा जरूरी है,
बजाय कि उसको सदमे को लेकर बैठ जाना। दादाजी की बात पे एक बात याद आई, दादाजी ने हमें कैसे तैयार किया, कैसे एक एक संस्कार डाले। एक ही किस्सा मैं सुनाना चाहता हूं। जब हम 5वीं कक्षा में आए, रुइया हाई स्कूल वीरेपार्ला में थे, तो हमें 10 पैसा हाथ खर्ची उन्होंने देना चालू किया, रोज का 10 पैसा। स्कूल जिस दिन होता था उस दिन, छुट्टी के दिन कुछ नहीं मिलता था। एक दिन दिया उन्होंने, दो दिन दिया, तीन दिन दिया, चार दिन दिया, पांचवें दिन उन्होंने पूछा, बेटा वो 10 पैसे का क्या किया जो मैं दो रोज दे रहा हूं। मैंने दादाजी को कहा, दादाजी उधर मिलन सुपारी मिलती है, बहुत बढ़िया, तो 10 पैसे की मैंने मिलन सुपारी लेकर खा ली रोज। दादाजी बोले, अच्छा स्वाद में तो अच्छी लगी होगी। बोले हाँ अच्छा, लेकिन उससे कुछ ताकत आई। दादाजी सुपारी में ताकत कैसी, उससे कुछ पेट भरा। दादाजी इतनी सी पुड़िका में वो सुपारी होती है, उससे पेट कैसे भरेगा। उससे कुछ अक्कल बढ़ी, नहीं दादाजी, उससे क्या फायदा मिला। तो मैं भी सोचना पड़ गया। बोले अच्छा, कल से ऐसा करना और देखना कि वहां पे 10 पैसे का और क्या क्या मिलता है। अगले दिन मैंने नजर फैलाई स्कूल के आजू बाजू के जो स्टॉल थे, वहां पे ओके वेफर का अच्छा बड़ा पैकेट मिलता था 10 पैसे में, 3 केले मिलते थे 10 पैसे में, पेरू मिलता था 2 10 पैसे में, पार्ले जी का पैकेट मिलता था बड़ा सारा 5 पैसे में। तो मैंने बोला, ये चीजें तो अच्छी है, इससे तो पेट भी भरेगा, इससे तो ताकत भी आएगी, और अगर पेट भरा रहता है आदमी चिड़चिड़ा नहीं होता है तो दिमाग के लिए भी अच्छा है। पेट नहीं भरता है और आदमी लंच तक, स्कूल खत्म होने तक खाली पेट रहता है तो चिड़चिड़ा भी रहता है या कॉन्सेंट्रेशन भी कम हो जाता है। तो मैंने उस दिन के बाद कभी ककड़ी, कभी पेरू, कभी पार्ले जी, कभी ओके वेफर्स लेके खाना चालू किया। 10 पैसे की वैल्यू भी दादाजी ने सिखाई। क्या आज हम हमारे बच्चों को लाखों की भी वैल्यू सिखाते हैं? लाखों की वो वैल्यू कर रहे हैं क्या? नहीं कर रहे हैं। लेकिन किसी वजह से अगर वो लाखों नहीं रहे, किसी दिन हाथ में बंदेश आ गई, क्या उनसे वो सहन होगा? क्या वो उस दिन भी वो हंसते हुए दिन निकाल सकेंगे, चीयरफुली वो दिन निकाल सकेंगे? शायद नहीं। तो दोस्तों, हमें बच्चों को कमी में भी रहना सिखाना है, हार में भी जीतना सिखाना है, हंसते हंसते जिंदगी निकालना सिखाना है। धन्यवाद।